एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माँ करनी। वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए मेरे व्लॉग्स को। जैसे आप सभी को पता है, भद्रा काल थी, राखी के टाइमिंग में शुभ मुहूर्त नहीं था तो कुछ जीजाओं ने तो पहले बांध दी थी राखियाँ में। और ये भाईसा हैं जो मेरे मामेड़ ससुर के भाईसा हैं, इन्होंने हमें आज राखी बांधी, मतलब राखी के बाद में हमें बांध दी राखी। और भद्रा काल होने के कारण ये टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया था। और आप सभी को पता है कि भद्रा काल में राखी बांधना सही नहीं मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भारी होता है भद्रा काल में राखी बांधना। जिसके आप राखी बांधते हैं उसके लिए भारी रहता है वो, इसलिए हमने इसे राखी नहीं बंधवाई थी भद्रा काल में। और ये भाईसा अब आए जो जिन्होंने हम सभी को राखियाँ भी बांधी थी सुंदर सुंदर, और हमने इनके लिए खाना भी बनाया। जवाईसा थे, बना थे छोटे इनके, और ये थे, हम सभी ने मिलकर खाना भी खाया। और हम सब यहाँ पे दिखा रहे हैं अपनी अपनी राखियाँ। देखो कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं हम सभी की। आज की मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ के आ गई हूँ अपने गार्डन में। और यहाँ पर मुझे, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक भाईसा से छोटे छोटे पौधे मंगवाए थे जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं वो। मैंने उनको लगा दिया था उस टाइम पर, अब देखते हैं इनमें क्या क्या ग्रोथ हुई है। ये देखो, ये वाला मंगवाया, ये तो वो खुद ही ला के दिए थे और इनके बीज थे। अब मुझे, मेरे को इनकी इतनी जानकारी नहीं है क्या है ये, उन्होंने खुद ने ला के दिया था। और ये जो है ना बिच्छू काटी, इसमें उन्होंने हमें सारे कलर ला के दिए तो मैंने इसमें लगा दिए। अब जब इनमें फ्लावर आएंगे तो पता चलेगा कौन। और देखो ये है यहाँ पे और भी कलर में, ये देखो और दिखाती हूँ आपको। देखो ये छोटे छोटे इनके बीज थे, पानी दिया ना इनमें रेगुलर, तब ये उग गए इनके अंदर। अब देखते हैं इनमें कैसे फ्लावर्स आते हैं। मैंने इनको लगा दिया था, उगा दिया था, अब उग गए। और ये है मेरा फेवरेट, मेरा अनार। इसमें पता है फूल ही आए हुए पड़े हैं, इन अनार एक भी नहीं आया, एक भी अनार नहीं उगा इसके अंदर। आते हैं टूट जाते, आते हैं टूट जाते। और ये बना ली मैंने अपने लिए सुबह सुबह की चाय, जो कि मुझे बेहद पसंद है। मैं सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ, मम्मी जी तो सुबह उठ के जल्दी ही पी लेते हैं चाय को। आज मम्मी लंच के अंदर मेरे वास्ते क्या बना रही है? डोसा। सिंपल डोसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सूजी उसको ग्राइंड कर लिया घी में और ये हल्का फुल्का सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको, पहले बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना था तो इसके अंदर मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं डाला सिवा प्याज उसके। ये बन गया इसका डोसा। तो अब प्लेट ला, फटाफट प्लेट लाते हैं, डाल दो। ये लग गया अपना डोसा। अब काटो स्लाइस में, सीधा करो इसको। मैं प्लेट कितने की है? ये प्लेट है 10 रुपीज की, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ नहीं करे, ये ओनली 10 रुपीज़ की है, ज़्यादा की नहीं है। आज संडे स्पेशल है, संडे स्पेशल आप इंजॉय करो। और आज है चौथा है और मेरी ठंड से करेंगे पूजा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। सब पता नहीं किसे खिलाने की कोशिश कर रही है मेरा बेटा। लो गाइस, आप भी बस से अंदर ही घुसेगा क्या कैमरे के कि किचन का था और बाहर का भी। हर्षु ने, हर्षु की हेल्प से मेरा काम फिनिश हो चुका है। ये नहा धो के आ चुका है और संडे के दिन भी ये लड़का ऐसा है कि मेड से ही रगड़ के नहाएगा, ऐसे मेल वेल जमा लेता है अपने शरीर के ऊपर, काला ठीकरा हो जाता है, ढंग से इसको नहाना भी नहीं आता है। जो संडे के दिन मेरे तो हाथ पैर टूट जाते हैं करते करते। वारे चंपी करवा ले सर के अंदर। इसको तेल लगवाते टाइम भी चैन नहीं है, ये देखो कितना तंग करता है मेरे को। Thank you.
ये मैंने तैयारी कर दी है जैसे कि बताई थी वैसे। यहाँ से फूल ले आई मैं, गुड़ है, काजल, रोली, मूली, मेहंदी, पैसे, कणक, माचिस, दीपक वगैरह सब रखा है मैंने, और कहानी की किताब भी रखी है यहाँ पर मैंने। और ये है बिंदायक जी, ये है पानी, पानी में है धूप, धूप से बिंदायक जी को नहलाया था जीजा ने, और पाट्या रखा है। ये पूरी विधि के साथ हम पूजा कर रहे हैं। मुझे कभी तो याद रहता, कभी नहीं रहता, लेकिन जीजा को सब याद रहता, जीजा पूरा बता देते हैं मुझे कि क्या यूज़ क्या लेना है क्या नहीं। आज है भादवा की चौथ, जिसकी तैयारी हम दोनों तेरानी जेठानी ने मिलकर पूरी कर ली है। अब हम सुनेंगे कहानी। जीजा ने मुझे निकाल के दे दी किताब में से कि ये वाली कहानी सुन लो, और अब पूजा मैं कर रही हूँ। पूजा तो खैर कर ली थी, लेकिन ये तिलक लगा रही हूँ जीजा के मेरे, जो कि हम सबसे लास्ट में ही लगाते हैं। और जैसे जैसे जीजा ने सामान बताया वैसे वैसे मैंने लगा दिया। और पिछली बार एक कमेंट आया था कि आपने बिंदायक जी किस चीज़ के बनाए, तो मैं आपको बता दूं, सुपारी है, सुपारी पे मोली लगाई हुई है, हमेशा से हम उसी की पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी अपनी कहानी। आपको तो सारी बात बताई और पूछा कि माँ तू तो बहू को रोज़ गर्मा गर्म खाना परोसती और वही हुआ है, पड़ोसन से कहती है कि ठंडी बासी रोटी खा कर आई। हम दोनों ने बिंदायक जी की और भादवे की चौथ की कहानी सुन ली है। अब हम जाएंगे अर्घ देने के लिए। हमारे यहाँ पे दो टाइम अर्घ दी जाती है। अर्घ देने के बाद में, पांच फेरी लगाने के बाद में, और जो सामान होता है मैं वापस पूजा के पूजा वाले घर में रख देती हूँ, और फिर भगवान जी के भी धोख खान लेती हूँ। जैसे मैं रेडी हुई, फटाफट से जीजा पधार गए थे नीचे, और पूजा की भी तैयारी करनी थी इसलिए, और स्टार्टिंग में नहीं कर पाई मैं। तो हमारी पूजा पूरी हो चुकी है अभी की। अब शाम को सिर्फ चांद के अर्घ देना है और कोई जोत वोत नहीं करनी। हमारे जब हम जयपुर में थे तब मम्मी जोत करते हैं, भोग भोग लगाते हैं अलग से। हमारे यहाँ पे सिर्फ दीपक से यहाँ पे पूजा होती है, और बिंदायक एक टाइम तो अभी सूरज जी के अर्घ दे लेते हैं, और एक बार रात को चांद के अर्घ देते हैं। बच्चे बच्चों को भी मैंने पढ़ाई से फ्री कर दिया है, और अब मैं बना रही हूँ चूरमा। मम्मा क्या बना रही हो? फोकस कैमरामैन फोकस। तो ये मैं चूरमा बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने सूजी, थोड़ा सा बेसन, मोन और आटा, ये सब मिक्स करके बना रही हूँ मैं। और फिर अच्छे से इसको ग्राइंड कर लूँगी, चीनी मिला के, घी डाल के, फिर इसका अच्छे से चूरमा बन जाएगा। मेजर दिखा दो। फिर पांच पिंडे बनाऊँगी, एक तो सूरज भगवान का और भगवान जी के भोग लगाने के लिए, फिर सूरज भगवान सॉरी चांद को अर्घ दे के फिर हम करेंगे भोजन। अब मैं फटाफट से खाना ही बनाऊँगी, और तो क्या, जो देखो। और ये चंदा मामा को भोग लगाने के लिए। हम दोनों धीराणी जेठानी ने चांद को अर्घ दे लिया है, भगवान जी के वापस धोख खा लिए, और अब यहाँ पे मैंने अपना खाना परोस लिया। अब मैं खाना जीऊंगी, और यहीं पे आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। जय माँ कनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।